नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश का तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चल रहा है लगातार, वो है कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं आसानी से। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो वो कौन सा तरीका अपनाएं कि बहुत ही जल्दी जल्दी में जो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। और बहुत सारे लोगों को जो जिन्होंने मैसेज किया है, हर एक मतलब पुराने पुराने जो हमारे वीडियोस उसमें कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उतने लोगों का तो मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिन लोगों को भी इंग्लिश सीखना है वो हमारे जो है इस वीडियो को देखें, और पहले सभी लोगों को बताएं कि भाई वीडियो आता है। दूसरी बात कि वीडियो कब आता है इसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा 6, 5 से 8 के बीच में, शाम में कभी भी और सुबह 8, 8:30 बजे के करीब में वीडियोस हमारा अपलोड किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये है हमारा 510वें दिन का क्लास, और आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि कैसे किसी भी जो है जो टेक्स्ट हमारा है, कैसे किसी भी टेक्स्ट को बहुत ईजी पढ़ेंगे। तो जैसे इस तरह से पढ़ना आपको सीखना होगा या चाहते होंगे, पशु संजीवनी एम्बुलेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लास्ट 4 मंथ्स टू अटेंड टू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी हेल्थ कंडीशंस ऑफ काउ एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विल शॉर्टली गेट ड्राइवर्स टू पुट इट इन टू यूज़। वी आर आउट सोर्सिंग ड्राइवर्स थ्रू द दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत। द प्रोसेस इज इन द फाइनल स्टेज। द एम्बुलेंस विल बी इन एक्शन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, सेड डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स पॉली क्लिनिक मंगलुरु डी राम प्रकाश। टू डॉक्टर्स विल वर्क ऑन रोटेशन ऑन दिस एम्बुलेंस, ही एडेड। द लैक ऑफ ड्राइवर्स केप्ट द पशु संजीवनी एम्बुलेंस अनयूज सिंस इट वॉज गिवेन इन अगस्त दिस ईयर। दिस एम्बुलेंस वॉज अमॉन्ग द 15 गिवेन टू द डिस्ट्रिक्ट पॉली क्लिनिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फॉर एनिमल यूज बाय फार्मर्स। तो देखिए, इस तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, और भी फ्लो में पढ़ सकते हैं जब आप बार बार पढ़ेंगे इस तरह से, तो बहुत ही सरल तरीका है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग की जो आज का हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले 29 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 13 लेटर के हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस लेटर में 6 लेटर हैं। तो 13 लेटर वाले एक वर्ड जो कि जिसकी समाप्ति ई एन टी के द्वारा होता है, यानी कि लास्ट में ई एन टी होता है, या इस तरह से कहा जाए कि दोस्तों ई एन टी जो है एक सफिक्स जो है सफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड है, सफिक्स वर्ड है जो कि पार्ट है एक किसी हर मतलब जो आप यहाँ देखेंगे 29 वर्ड, उसमें हर एक में जो अंत में ई एन टी आएगा, और ये एक पार्ट है और भी बहुत सारे पार्ट हो जाए। तो पढ़ने का ट्रिक पहले यहाँ सीख लेते हैं, फिर वैसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो देखिए क्या करना है कि मान लीजिए आप नए हैं और हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं डे 1 से, तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए, या यूट्यूब या गूगल के माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे डे 1 से देखिए। या इसी वीडियो के टाइटल बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन के लिए वीडियो को स्क्रॉल सबसे नीचे जाइए, और हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। देखिए, रीडिंग राइटिंग या स्पोकन में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है रीडिंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि अधिकांश टाइम आप यानी मैक्सिमम जो समय आपका जो है बीतता है आप मोबाइल हो या कहीं भी हो पढ़ने में, अपने जीवन के अधिक अगर पढ़ने की बात की जाए तो पढ़ने का मतलब होता है तो लिखना पढ़ना बोलना सब, लेकिन हमेशा हम लोग पढ़ने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जीवन का अधिकांश हिस्सा जो है पढ़ने में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि लिखने की बात करते भाई, क्या करते हैं लिखते हैं, आप ऐसा बोलते हैं क्या कि हम लोग लिखते हैं, नहीं हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, ये बात अलग है कि मैं लिखता हूँ, लेकिन जब पढ़ने की बात की है तो पढ़ना ही पहले सबसे ज़्यादा, तो सभी लोग जोड़ देते हैं कि मैं पढ़ना सीख जाए। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा आई बटन जो है यहाँ पर आप ब्लिंक करते रहेगा 5 बार रहेगा, और वो भी टच करके हमारे दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं लाइव, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और देखिए ये जो है आप देख रहे हैं कि ये 13 लेटर का है। जी हाँ दोस्तों, 13 लेटर का वर्ड है,
जैसे देखिए आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं से भी गिनेंगे तो आप 13 ही पाएंगे, 13 लेटर्स। इसमें भी देखिए मान लीजिए 13 लेटर है, हमको पढ़ने नहीं आ रहा, इतना बड़ा वर्ड से हम नए हैं, मान लीजिए अपने आप को जीरो मान के चलिए, कुछ नहीं पढ़ने आता, आता है, ऐसा नहीं कि सभी को कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ने आते हैं, और क्योंकि कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि आपके जीवन में मतलब हिंदी भाषा में या आपके लोकल लैंग्वेज में इस तरह से घुस गए कि भाई आप उसके बिना आप बोल ही नहीं सकते। जैसे कि मोबाइल वर्ड क्या है, हिंदी है, हिंदी में घुस गया है, हिंदी लगता है हिंदी है, लेकिन ये मोबाइल वर्ड जो है, मोबाइल शब्द जो है वो एक अंग्रेजी का शब्द है, कप है, ग्लास है ना, पेन है, कलम कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता है, तो वायर है, बल्ब है, ये सब बल्ब, बल्ब तो है, बल्ब को अंग्रेजी तो बल्ब है, हिंदी में बताइए हिंदी में बल्ब क्या होगा, लोग सोच में पड़ जाएंगे भाई क्या होता है। तो जीवन में इस तरह से घुस गए कि पता भी नहीं कि कहाँ किस चीज़ का यूज़ हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश में। तो खैर अब दोस्तों इसको मान लीजिए कोई वर्ड से उसको कैसे पढ़ेंगे, तो एक ट्रिक मैंने हर वीडियो में मैंने बताया यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि भाई ई एन टी को देखिए एंट पढ़ते हैं। ये एक देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड का एक बहुत ही बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि शरीर के कई अंग होते हैं ना, जो पार्ट्स शरीर के अंगों के नाम बताइए तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी शब्दों के अंश को यहाँ देखेंगे तो कई अंश होते हैं, कई हिस्से होते हैं, जैसे ई एन टी भी एक हिस्सा है। तो आप तो देख रहे हैं कि भाई ई एन टी जो कि एक सफिक्स है, जो कि किसी सफिक्स के वर्ड क्या होता है, जो कि शब्द किसी भी अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो उसे सफिक्स वर्ड कहलाता है। तो ई एन टी एक सफिक्स वर्ड है, आप देख रहे हैं सभी में ई एन टी है। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे लिए है कि ई एन टी के अलावा भी तो और बहुत सारे वर्ड हैं जो कि लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है, लास्ट में। अब जैसे देखिए मैं यहाँ बताते चलता हूँ, आप देखेंगे कई बार यहीं पर रिपीट हो जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ एस यू वी सब, एन एन नन, ये भी एक सफिक्स वर्ड है, डिस भी एक सफिक्स वर्ड है, री भी एक सफिक्स वर्ड है, देखिए फिर से डिस आ गया सफिक्स, सॉरी ये सब प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं है, जो पहले आता है प्रीफिक्स, जो बाद में सफिक्स, तो डिस भी देखिए, उसके बाद देखिए उसमें प्री, ये भी बार बार रिपीट होने वाले हैं, एन ये भी रिपीट होता है, फिर से देखिए प्री आ रहा है, री देखिए यहाँ पर, री देखिए यहाँ पर, फिर देखिए नन जो है, री यहाँ से देखिए री, फिर देखिए प्री जो, ठीक है प्री, और यहाँ भी जो है दोस्तों प्री। तो ये सब क्या है जो कि शुरुआत वाले हैं, ठीक है। अब ये तो है प्री, इसमें देखिए फिर से प्री रिपीट हो रहा है, तो बार बार देखिए एक ही पार्ट जो है रिपीट होता है, ऐड देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और उसके बाद री देखिए रिपीट हो रहा है, री रिपीट हो रहा है, री रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हुआ, डिस रिपीट हुआ, फिर देखिए प्री रिपीट हुआ, री रिपीट हुआ, ऐड रिपीट हुआ और डिस रिपीट हुआ। आप बताइए तो 13 में से ये तो देखिए कोई में तीन, कोई कहीं दो, कहीं तीन तो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, और तीन तो सफिक्स है, ई एन टी है, ई एन टी के पहले जो लेटर रहता है उसके साथ जोड़ के बोलते हैं कोई भी वर्ड जो है, देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वर्ब, सॉरी वॉवेल को मिलाकर ही वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के मिलने से ही वर्ड बनता है। अब ये ई है, ई क्यों है, वॉवेल हमारा इसके पहले एम लगा हुआ है, तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे ना, सब में मिला कर पढ़ते हैं, तो देखिए मेंट 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 मेंट, यहाँ पर सब मेंट ही आप दिख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, वो चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन सभी में देखिए आप मेंट है, तो मेंट सभी में है। तो बात है कि दोस्तों 13 में से 4 लेटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया चुपचाप बिना किसी मेहनत के, आपको नहीं पढ़ना था तो भी, मैंने बताया ना कि जीरो मान के चलिए। बचा हमारे पास दोस्तों 9 लेटर, ठीक है, 9 लेटर में से मान लीजिए कि 3 लेटर यहाँ स्टार्टिंग वाला हो गया, कहीं दो कहीं तीन, तो मान लीजिए 3 ही लेके चलते हैं, तो 3 बचा हमारे पास 6। अब देखिए जो 6 लेटर बचता है, 6 लेटर में से भी बहुत सारे जो हैं उसी तरह जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, जिसका जिसके बारे में जानकारी आपको आने वाले स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये अब जैसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हमारे पास जो होता है ए, यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ यू, इससे भी इसे कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में अगर जानकारी हो तो पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन
इसके थ्रू भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं दो बताता हूँ, जैसे ई एन को देखिए, ई एन जो है बार बार रिपीट होता है, ई आर जो है बार बार रिपीट होता है। अब इसके यहाँ देखिए ई एन है, ई एन के बाद डी लगे तो डन हो गया है ना। फिर देखिए कई जगह आपको मिल जाएगा ई एन यहाँ पर। तो जैसे अब बात करते हैं, ई आर देखिए, ई आर है तो वी के पहले लगे तो वर हो गया, ई आर है वी के पहले तो वर हो गया, ई आर है वी इसके पहले बी है तो भर हो गया। तो इस तरह से बार बार जो है रिपीट होने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बार बार इसी चीज़ जो बीच वाले हिस्सा उसको भी तोड़कर मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो स्लाइड है अब ये रहा, अब इसमें देख रहे हैं इधर जो वर्ड्स है उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि पढ़ने में आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पर है सब गवर्नमेंट, तो सब जी ओ से ग होता है, एक्चुअली ग कैसे बोलते हैं, ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा बाद में करूँगा भाई कि अ कैसे होता है। अब देखिए ई आर के पहले भी है तो वर हो गया, एन एन है तो गवर्नमेंट, एन उन नन गवर्नमेंट। डिस मेम, ई आर के पहले बी है तो बर, ई एम के पहले एम है तो मेम, मेम्बर, ठीक है, डिस मेम मेम्बर मेंट। री डे वे डेवलपमेंट, डिस बर, यू आर के पहले बी है तो बर, ई एन के पहले डी है तो डेन, डिस बर्डन मेंट। फोर स्टॉल मेंट, प्री एन रोल मेंट, एन सोर सेलमेंट, प्री ओ डेन, ए आई एन है तो ए आई एन बार बार इसे एन है, मान लीजिए आर ए आई एन होता तो क्या होता, रेन हो जाता ना, रेन, तो यहाँ डेन है। प्री ऑर्डेन मेंट, री फॉर विस मेंट, री प्लेस निस रिप्लेनिस मेंट, नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट बोलते हैं ना, री मेजर, ठीक है, एस यू आर ई को जर पढ़ते हैं, जैसे टी यू आर ई को चर पढ़ते हैं है ना, और जी यू आर ई को गर पढ़ते हैं। तो ये सब वर्ड्स को आप याद रखिएगा, तो ये जर पढ़ेंगे, री मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पर तो प्री फिगर, मैंने बताया ना गर, एस यू आर सर, तो प्री फिगरमेंट, प्री रिटायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है हिंदी ताकि जो दिक्कत होगी वो दिक्कत नहीं होगी भाई, जो इधर लिखा हुआ उसको बाद में भी देखेंगे कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने देखा है कैसे तोड़ तोड़ कर अंग्रेजी को पढ़ा था, वो पार्ट बार बार रिपीट होता है हमारे रोज आने वाले क्लास में, जब आप देखेंगे कि पर डे किस तरह से मैंने तोड़ तोड़ कर बताया, तो वहाँ यहाँ आपको प्रैक्टिस होगा और बार बार इस प्रैक्टिस के थ्रू आप बड़े बड़े जो है लेटर्स वाले वर्ड्स को आप देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वाले हमें देखते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट है, यहाँ हिंदी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि हिंदी पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाता है, लंबा लेटर वाला हिंदी शब्द वाला है, अक्षर वाला है, तो हिंदी इंग्लिश ज़्यादा इजी से पढ़ पाएंगे। देखिए प्री एक्सपेरिमेंट, एड व वर, ई आर के पहले वी लगे तो वर, एड व एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ओवर, ई आर है ना वी के पहले लगा तो ओवर हो गया, स्टेट ए के बाद ई आया इसे टेट हो गया, स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट, री इन स्टेटमेंट फिर से ए के बाद ई आया है, री अरेंजमेंट, री अरेंजमेंट, री कंसलमेंट, थर्मो एलिमेंट, इम ब्रैंगलमेंट, डिसमेंटल, ठीक है, मेंटल आप इसको और तोड़ सकते थे, मैन यहाँ से तोड़ सकते थे, मैन डिसमेंटलमेंट, बम्बूजलमेंट, प्री सेटलमेंट, री इम्बर्समेंट, यहाँ से इसको भी तोड़ सकते हैं, री इम्बर्समेंट, एड मेजर, मैंने बताया था मेजर, एस यू आर सर बोल जर बोलते हैं, तो एड मेजरमेंट, डिसफिगरमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, तो आपने यहाँ देखा कि भाई किस तरह से जो है किसी भी वर्ड्स को आप एक तो पार्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू तोड़ सकते हैं, दूसरा कि वोवेल के थ्रू तोड़ सकते हैं। तो वो देखेंगे कि वोवेल में का उच्चारण कैसे आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से या कैसे पढ़ेंगे। चलिए
लेकिन दोस्तों मैंने जो शुरू में पढ़ा उसको स्लो से पढ़ते हैं, फिर इसके पार्ट्स और वर्ड्स को देखेंगे। अब यहाँ देखिए, पशु है, ये नाम है और हिंदी का नाम है पशु, पशु संजीवनी, ठीक है, संजीवनी, संजीवनी हो गया, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एंस के पहले लगा होता है लेंस हो गया, ऑफ द डी एटी है, एआरटी आर्ट होता है, पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया डी पार्ट, ई एन टी पहले एम है तो मेन, डिपार्टमेंट ऑफ एल है तो एनिमल, हस बैन, एन के पहले एन है, बी के साथ तो बैन हो गया, हस्बैंड्री, विच हैज़ नॉट बीन यूज फॉर द लास्ट 4 मंथ्स टू अटेंड अ टेंड टू एक्सीडेंट, एक्सी ई एन टी है, डी का डेंट हो गया, एंड के पहले डी लगा डेंट हो गया, एक्सीडेंट एंड एस लगा हुआ है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ई मर, ई के पहले एम है तो ई मर, जी के पहले ई एन है तो जेन हो गया, सी वाई सी इमरजेंसी, हेल्थ सी एन कंडीशन, टी एन सन जो बार बार रिपीट होता है, कंडीशन ऑफ काउज आओ बोलते हैं, एंड ई आर है तो अदर हो गया, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विल शॉर्टली, देखिए शॉर्ट हो गया, उसके बाद एल वाई ली और शॉर्टली गेट ड्राइवर्स टू पुट इन टू यूज, वी आर आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग ड्राइवर्स थ्रू, ठीक है, थ्रू द दक्षिण, दक्षिण दक यहाँ से होता है दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत, पंचायत, ठीक है, पन हो गया चायत, ये हिंदी के शब्द है, द प्रो ई डबल एस एस सी के साथ लगा शेष हो गया, प्रोसेस इज इन द एल तो फाई फाइनल हो गया, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, स्टेज में ए जी एज बोलते हैं तो स्टेज हो गया, स्टेजेस एस लगा हुआ, द एम्बुलेंस एंस हो गया, विल बी एक्शन टी एन को सन बोलते हैं, इन द नेक्स्ट फ्यू ई डब्ल्यू यू होता है, एफ लगा फ्यू एन लगा रहता है तो एफ का जगह एन रहता है तो न्यू होता है, ए वाई इसको एज बोलते हैं, डी है तो डेज हो गया, पी रहता पे होता है और ए डब्ल्यू तो वे हो जाता है ना, अगर एस ए वाई रहता तो सी हो जाता, सैड डिप्यूटी, डी प्यू टी डाई, डाई देखिए डाई रेक्टर वर्क हो और बोलते हैं, ठीक है टर हो गया, एनिमल एनिमल, हस वेंड्री, हस वेंड्री, डिपार्टमेंट्स, पॉली क्लिनिक, मंग देखिए मन मंगलुरु, मंगलुरु डी राम प्रकाश, राम प्रकाश, टू डॉक्टर्स विल वर्क, देखिए टी एन क्वेश्चन यहाँ भी है, रोटेशन ऑन दिस एम्बुलेंस, ही एडेड द लैक ऑफ ड्राइवर्स, केप्ट केप्ट द पशु संजीविनी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस अनयूज सिंस, सिंस देखिए सिंस सी को सब बोलते हैं, यहाँ देखिएगा इट वॉज ई एन को एन वी कह लगा था, वेन गिवेन इन द अगस्त, अगस्त दिस ईयर दिस एम्बुलेंस वॉज अमोंग, वेन जी ऑन बोलते हैं, अगर रहता एस ओ एन जी तो क्या होता है सॉन्ग हो जाता है, यानी कि एस रहता तो सॉन्ग हो जाता है, रहता तो लॉन्ग होता है, अमोंग द 15 गिवेन टू द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पॉली क्लिनिक्स बाय द ए के बाद ये आया है तो ए कार के रूप में चलूँगा तो स्टेट गवर्नमेंट, ई एन टी के पहले में तो मेंट हो गया, इन द फर्स्ट फेज के बाद ये आया, इसको यहाँ पे जब पढ़ा गया है तो फेज ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट, ई एन टी पहले एम है तो मेंट हो गया, फैसिलिटीज फॉर एनिमल्स यूज्ड बाय फार्मर, दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं और देखिए कौन सा पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हुआ, आप यहाँ पर देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ए आर टी आठ है तो पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया,
और ई एन टी के पहले ई एन टी वाला है तो जानते ही है, तो मिंट हो गया। एल होता है, बार बार आएगा, री हो गया, ठीक है। यू को यहाँ पर आ पड़ा गया था, हस हो गया, एच यू एस हस, बैंड बैन एन बैन, जैसे बी एन बैन होता है, तो देखिए एम ए एन क्या होता है, तो मैन होता है ना। आर एन क्या होता है, तो रैन होता है। सी एन क्या होता है, तो कैन होता है, तो ये बी एन बैन हो गया। हस्बैंड्री विच आई, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार बार आता है, ई एन टी है, डी का तो डेंट हो गया, ई आर है तो ई एम के साथ लगा तो मर, और जी के साथ लगा ई एन तो जेन हो गया, इमरजेंसी सी वाई सी हो गया। सी वन कन भी है जो कि बार बार रिपीट होता है, यहाँ देखिए सन भी है। ओ डब्ल्यू आओ है, काओ हो गया, जैसे देखिए एन ओ डब्ल्यू नाव होता है, यहाँ सी है इसलिए काओ हो गया। ई आर है अदर हो गया। अब देखिए एक के बाद ई आया है तो उच्चारण ए के रूप में हुआ। अब जैसे देखिए सी ए टी कैट होता है ना, इसके बाद ई आ गया, यानी एक के बाद ई आया, यहाँ भी देखिए एक के बाद ई आया तो हो गया केट, डोमेस्टिकेट, तो ई डी लगा हुआ, डोमेस्टिकेटेड हो गया। एल है अल, एल वाई ली, ई आर को आर बोलते हैं। आउट बार बार आता है, आई एन जी है, सिंग हो गया, ठीक है। आउटसोर्सिंग, सी को सर पड़ा गया, आउटसोर्सिंग, ई आर है तो वी का तो वर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों पी आर प्रो होता है, ई डबल एस एस होता है, सेस। अब रहा था एन ई डबल एस, तो क्या होता है लेस हो जाता है, एल ई डबल एस तो लेस हो जाता है। जैसे तो देखिए अल है तो फाइनल हो गया, ए के बाद ई आया तो स्टेजेस, एंस तो ये लेंस हो गया, एक होता है, टी एन को सन बोलते हैं, ई एल को यू बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, टी ओ आर को और बोलते हैं, टी एल तो डर टर हो गया, ए एल को अल बोलते हैं तो अल हो गया। उसके बाद दोस्तों री हो गया, यहाँ पर देखिए ए आर टी आर्ट हो गया, पी एल पार्ट, ई एन टी है मेंट, टी एन सन, ए एन सी एंस, ए डी को एड, ई आर को आर बोलते हैं, एंस फिर देखिए एंस बार बार रिपीट हो रहा है, यू एन को अन बोलते हैं अनयूज, ई एन है वी के साथ लगा तो वेन हो गया, गिव एन, एम्बुलेंस में देखिए ओंग हो गया, सॉन्ग लॉन्ग, ई एन यहाँ भी आ रहा है बार बार, ए के बाद ई आया है, एट स्टेट, ई आर है तो वर हो गया, ई एन टी है तो मेंट हो गया। उसके बाद एक के बाद ई आया है तो फेज हो गया, पी आर प्रो होता है और आई एम ईम होता है। उसके ई ए को ई बोलते हैं तो ट्री ट्रीट, ई एन टी के पहले में तो मेन ट्रीटमेंट, आई एस को इज बोलते हैं तो टीज हो गया, ए एल को अल बोलते हैं तो एनिमल, ई आर को और बोलते हैं तो एम कहें तो मर, तो फॉर्मर। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, इसको ध्यान देना होगा आपको, अगर ध्यान देते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब जो चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा वो ये दिमाग में रखना है कि देखिए भोवेल जो होता है वो पांच होता है, ये तो पता होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी भोवेल का जो खेल है, यही पांच भोवेल जो है ये किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ जो है मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है। वो वर्ड छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या कहें कि भोवेल के बाद कॉन्सोनेंट का जो है जुड़कर भी वर्ड का निर्माण होता है। तो आपको इसका उच्चारण अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही इजी तरह से कोई भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। यहाँ डबल देखिए, जैसे ए को कभी अ कभी आ कभी ए कभी ए पढ़ते हैं, ई को कभी अ आ ई ई ए पढ़ते हैं, आई को कभी अ आ ई बड़ी आई पढ़ते हैं, ओ को कभी अ आ ऊ ओ पढ़ते हैं, यू को कभी अ आ ऊ ई यू पढ़ते हैं, ओ को कभी डबल ओ को अ आ ऊ ओ वो। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इतना ए को सिर्फ ए पढ़ते हैं, ए को सिर्फ ए पढ़ेंगे, ए को सिर्फ अ पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ते हैं ई, या ई को ई पढ़ते हैं, आ तो नहीं पढ़ते हैं, आई को भाई ई भी पढ़ सकते हैं, आई भी पढ़ सकते हैं, ओ को ओ ही पढ़ सकते हैं भाई, यू को यू ही पढ़ेंगे, डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। लोग यही समझेंगे क्योंकि ए को ए ही तो बोलते हैं, ई को भी ई बोलते हैं, आई को भी आई बोलते हैं, ओ को भी ओ बोलते हैं, यू को डबल ओ को भी सेम टू सेम बोलते हैं। लेकिन आप इसमें जब आप देख रहे हैं हमारे जब एग्जांपल्स है यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि ए ई आई ओ
यू डबल ओ का एग्जाम्पल है, तो ए का देखिए यहाँ पर ए है तो अ पढ़ा गया कम पानी अ पढ़ा गया जो कि ये है। सॉल्ट में ये देखिए आ के रूप में पढ़ा गया जो कि ये है, ये है इसका मात्रा है, मैंने लिख दिया पर ये अक्षर है स्वर वाला। लेन में ए पढ़ा गया है, कैप में ए का के मात्रा पढ़ा गया है। तो हुआ दोस्तों ए को आ ए ऐसा पढ़ा गया है। देखिए आप कहीं से हो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी तरह से पढ़ पाएंगे। उसको देखिए पी आर में पर में अ पढ़ा गया है ई को, प्री में ई को जो है तो ये पढ़ा गया ई ई, और पी एन में जो ई को ए पढ़ा गया, एस आई आर में सर में अ पढ़ा गया, फिग में जो है वो ई पढ़ा गया, टी में जो है वो बड़ी पढ़ा गया, और प्राइम में जो है ये आई पढ़ा गया, एस ओ एन में जो है ओ जो है अ के रूप में पढ़ा गया, आउट में जो है आ के रूप में पढ़ा गया, मून में जो है ऊ के रूप में पढ़ा गया, टोन में जो है ओ के रूप में पढ़ा गया। अब देखिए यहाँ तो हो गया दोस्तों शन में ओ, आउट में आ, मून में ऊ बड़ी ओ, टोन में ओ। अब देखिए एस यू एन में यू जो है अ के रूप में, यहाँ पुट में यू जो है पुट में पी ओ टी पुट में यू जो है ऊ के रूप में, ट्यून में यू जो है ई यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ में फ्लड में डबल ओ जो है अ के फ्लड है ना, रूम में ऊ। तो इस तरह से आप पढ़ते हैं इजली। चलिए अब वो पार्ट्स और वर्ड देखिए जो कि बार बार रिपीट हुए हैं हर एक वर्ड्स में। इसमें आप ये इधर जो इंग्लिश वाला है, इधर जो हिंदी वाला है, जिसको जो इंग्लिश को क्या पढ़ना है वो यहाँ लिख दिया गया है, और यहाँ पर देखिए जो है साइलेंट वाला लेटर है, जिससे मिलता जुलता लेटर मैं वर्ड्स में लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे कि साइलेंट है या नहीं। वॉक एल को साइलेंट का रख दिया जाता है, काम एल को यहाँ भी साइलेंट कर दिया गया है, साइन आई को जी को यहाँ भी साइलेंट कर दिया गया है, लॉज डी को यहाँ भी साइलेंट कर दिया गया है, नो के को यहाँ भी साइलेंट कर दिया गया है ना, के का माना जाना, बाकी बार बार रिपीट हो रहे हैं ये सारे वर्ड्स आपने देखा होगा बार बार, डब्लू कोड सोड चुअल चर आस सिर्फ कंटिन्यूस और नेचर एक्चुअल है ना, टीम है सन है आइट है। एक और देख लीजिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ई एन टी वाला यहाँ देख रहे हैं आप, ई एन सी वाला देखिए ए फैट है ना, फैट ऐसे ही एक के बाद ई आ गया पेट हो गया, मैट है एक के बाद ऐसे ही आया तो मीट हो गया, फिर देखिए आओ है ओ है ऐसे दोस्तों रहता है, टी ओ वाई टो है, एन ई एन ई डब्ल्यू न्यू, एंग सेंग रिंग संग सॉन्ग एस ओ एन जी सॉन्ग एस ओ एन जी सॉन्ग एस यू एन जी संग ठीक है, एस आई एन जी सिंग रिंग रिंग गोइंग बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश। तो ये सब है दोस्तों आई को आई भी पढ़ते हैं, नाउ एन ओ डब्ल्यू नाउ। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं हर एक वर्ड्स वर्ड को। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए तभी पता चलेगा वीडियो का कब आता है। और एक बात और दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ भी दिया गया है, साथ में कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और हमारे प्ले लिस्ट का लिंक जो है यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं। तो दोस्तों जरूर यहाँ से टच कीजिए हमारे वीडियो को, डे वन से देखते जाइए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी सीख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।